सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा सिंह। बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं का सातवां पाठ भारत जनता अहम पेज नंबर 44 से व खाद धातु रूप पेज नंबर 128-129 से पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा आठ सप्तम पाठ है, सातवां पाठ भारत जनता अहम, अहम अर्थात मैं भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। खाद धातु रूप पेज नंबर 128-129 से और भारत जनता हम पेज नंबर 44 से पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 44 निकालिए। प्रस्तुत कविता, ये जो एक पाठ है वो कविता के रूप में, श्लोकों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। अर्थात उस जो उनका लेखक, उनका ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ भारत जनता अहम, उससे इसकी कुछ पंक्तियां ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता से सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत जनता की क्या क्या विशेषता है, भारत की जनता जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे लोग रहते हैं और कैसी उनकी सोच है या उनकी विशेषताएं क्या क्या है। बच्चों, आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। शालीना, अच्छे आचरण वाली, लिखिए इसका अर्थ लिखिए, शालीना अच्छे आचरण वाली। विनयोपेता, विनयोपेता का अर्थ है विनम्र। अभिमान धना, अभिमान धना का अर्थ है अत्यंत स्वाभिमानी। मैं भारत की जनता, अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि, कुलिश, कुलिश कहते हैं वज्र, वज्र से भी, अपि वज्र से भी, कटिना कठिन, वज्र से भी कठिन। कुसुम, कुसुमादपि, कुसुम कहते हैं फूल, फूल से भी। सुकुमारा, अत्यंत कोमल, मैं फूल से भी अत्यंत कोमल भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी अधिक कठिन और फूलों से भी अधिक कोमल भारत की जनता हूँ। आइए बच्चों, पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ देखते हैं। मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। ऐसा प्रथम श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक, निवसामी समस्ते संसारे, संसारे संसार में, समस्ते सारे निवसामी रहता हूँ, मैं सारे संसार में रहती हूँ। यहाँ भारत की जनता है तो मैं सारे संसार में रहती हूँ, निवास करती हूँ। मन्य, मानती हूँ, च और मानती हूँ कुटुंबकम, अपने परिवार, वसुंधराम धरती को और इस पृथ्वी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। ऐसा भारत जन, भारत की जनता कह रही है। प्रेयः श्रेयः, प्रेयः कहते हैं रुचि को, श्रेय कहते हैं कल्याण को, च और मैं कल्याण और रुचि को, चिनों में उभयम, दोनों को चुनती हूँ, मैं रुचि और कल्याण दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम, अच्छे विवेकपूर्ण आचरण वाली मैं भारत की जनता हूँ। दूसरे श्लोक का फिर से अर्थ देखिए। निवसामी समस्त संसारी, मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और इस पृथ्वी को अपना कुटुंब, अपना परिवार समझती हूँ। कुटुंब कम परिवार, अपना कुटुंब, अपना परिवार मानती हूँ। मैं रुचि और कल्याण दोनों को चुनती हूँ और विवेकपूर्ण आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। ऐसा द्वितीय श्लोक का अर्थ है। एक बार फिर से पहले श्लोक और द्वितीय श्लोक का हिंदी अर्थ देखेंगे। मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी अधिक कठोर, अगर कहा जाए तो मैं अत्यंत कठोर हूँ, किसके समान, वज्र के समान, मैं वज्र के समान अधिक कठोर, और अगर मुझे देखा जाए तो मैं फूलों से भी अधिक कोमल हूँ, फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। भारत जनता संपूर्ण विश्व में रहती है तथा संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझती है। मैं रुचि और कल्याण दोनों को चुनती हूँ तथा विवेकपूर्ण आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ।
विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना विज्ञान रूपी धन में, ज्ञान रूपी धन में विज्ञान और ज्ञान साहित्य कला संगीत परा, साहित्य संगीत और कला के ज्ञान से संपन्न हूँ। भारत की जनता क्या कर रही है, मैं भारत की जनता विज्ञान ज्ञान साहित्य कला और संगीत के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्थाने, अध्यात्म सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, तटिनी कहते हैं नदी को, अध्यात्म सुधा नदी में स्नान करके परिपूता में पवित्र हो गई हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ जो मुझ में विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत से परिपूर्ण हूँ और अध्यात्म अमृत रूपी नदी में स्नान करके मैं पवित्र हो गई हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। चतुर्थ श्लोक, मम गीते मुग्ध सम जगत, मम मेरे गीते गीत से मुग्ध है, प्रसन्न है। सम जगत सारा, जगत सारा संसार मेरे गीतों से प्रसन्न है, आनंदित है। मम नृत्य मुग्धम सम जगत, मेरे नृत्यों से मुग्ध है सारा जगत सारा संसार। मम काव्य मुग्धम सम जगत, मेरे काव्य से मुग्ध है सारा जगत। रस भरीता भारत जनता अहम, मैं आनंद से भरी हुई, रसों से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। तृतीय और चतुर्थ श्लोक का हिंदी अर्थ यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ जो विज्ञान ज्ञान साहित्य संगीत तथा कला के ज्ञान से संपन्न हूँ, तथा जो अध्यात्म सुधा अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई है। मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ, मेरे गीतों से नृत्यों से तथा मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध हो जाता है। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। पांचवा श्लोक, उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ, अर्थात मुझे उत्सव पसंद है। श्रम प्रिया, मुझे परिश्रम पसंद है, मैं परिश्रम से। पद यात्रा से, पैदल यात्रा से। देशाटन प्रिया, देशाटन देश को घूमना प्रिय है। मैं ऐसी भारत की जनता हूँ जिसे उत्सव प्रिय है, परिश्रम प्रिय है, पद यात्रा पैदल यात्रा प्रिय है और देश में घूमना प्रिय है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, मैं लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्त हूँ। वर्धे अतिथि देवा, मेरे लिए अतिथि देवता के समान हैं वर्धे, और मैं सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। भारत जनता हम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, मैत्री में मित्रता में, अर्थ लिखिए मैत्री में मित्रता में सहजा, सहज प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, अस्ति मतलब रस, अस्ति है मित्रता, मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बल दुर्बलाया प्रियाय, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, पर्याय इसका कोई पर्याय नहीं है। नो दुर्बलताया, दुर्बलता का यहाँ कोई स्थान नहीं है। मित्रस्य चक्षुणाम संसार पश्यन्ति, मित्रस्य चक्षुणाम मित्र की आँखों से संसारम संसार को पश्यन्ति देखती हूँ, मैं मित्र की आँखों से संसार को देखती हूँ, अर्थात मित्रता के भाव से देखती हूँ। भारत जनता हम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, मैं भारत की जनता हूँ जो उत्सवों से परिश्रम से पद यात्रा और देश यात्रा से प्रेम करती है, लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्ति रखती हूँ, तथा अतिथि को देवता मानने वाली मैं सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भारत की जनता सारे संसार को मित्र के नेत्रों से अर्थात मित्र की तरह देखती है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अंतिम श्लोक देखिए बच्चों, विश्वेस्मिन जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, कर्मण्याम भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। विश्वेस्मिन जगति गताम्य हम, घूम चुकी हूँ, अस्मि हूँ,
घूम चुकी हूँ जगती जगत में, इसमें इस सारे संसार में, इस सारे जगत में, इस सारे संसार में क्या कर चुकी हूँ, मैं घूम चुकी हूँ, ऐसा भारत की जनता कह रही है। मैं सारे जगतिकार देखो संसार में गतामि हम अभी घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, विश्व अस्मिन जगति सदा दृश्य, और सारे संसार को देख चुकी हूँ, दृश्य देख चुकी हूँ सदा हमेशा जगति संसार को, इस संसार को मैं देख चुकी हूँ। विश्वेस्मिन जगति करोति कर्म, कर्म कार्य को करोमि करती रहती हूँ जगति संसार में, और इस सारे संसार में मैं काम करती रहती हूँ। कर्मण्याम भारत जनता अहम, मैं कर्म से अर्थात मैं काम करने से, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। जैसा कि हिंदी अट में लिखा हुआ है बच्चों, मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ, सारे संसार में काम करती रहती हूँ, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। बच्चों आपने देखा कि इस पाठ में कि जो भारत की जनता है वह अपने बारे में अपनी विशेषताएं यहाँ बता रही है कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या विशेषताएं यहाँ इस पाठ में बताया आप भली भांति जान चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं खाद, जो धातु रूप है खाद, यहाँ पर आपको पता है संस्कृत में 5 लकार होते हैं, जो आप आज 5 लकारों को एक साथ देखोगे। लिट लकार, लिट लकार किसे कहते हैं बच्चों, वर्तमान काल को। वैसे तो आप 5 लकार पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन लिट लकार वर्तमान काल। पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस तरफ वचन लिखे होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये सभी कालों में सभी लकारों में एक जैसे ही होते हैं। तो आइए बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से आता है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। खादति, एक बार मेरे साथ उच्चारण कीजिए, खादति, खादतः, खादन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः, एक बार फिर से, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादथ, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। आपने देखा वर्तमान काल में ये देखो एल शेप में विसर्ग लगता है, यह बात आपको याद रखनी है कि एल शेप में विसर्ग लगाना है, बाकी और जगह नहीं लगाना है वर्तमान काल में। आगे भविष्यत काल में देखो, खाद धातु है, लिट लकारः, भविष्यत काल, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, एक बार बोलिए, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। देखिए बच्चों आपने लट लकार में देखा वहां एल शेप में विसर्ग लगा हुआ है, और भविष्य काल में भी एल शेप में विसर्ग लगा हुआ है, तो दो में एल शेप में विसर्ग लगता है, ये आप याद रखेंगे। एक बार फिर से दोहरान कीजिए, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। आगे लंग लकारः, लंग लकार होता है अतीत काल, अतीत काल मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है, इसे कैसे पढ़ेंगे, अतीत काल में बच्चों आगे अ लगता है, अतीत काल में आगे अ लगता है, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम, एक बार फिर से उच्चारण कीजिए, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादाम, अखादम, अखादाव, अखादाम। आगे लोट लकार, लोट लकार अनुज्ञा व आदेश के लिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, आदेश, तुम पढ़ो, तुम हंसो, आदेश देना, उसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों उच्चारण कीजिए, खादतु, खादताम, खादन्तु, खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम, एक बार फिर से, खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद, खादतम, खादत,
खादानी खादाओ खादाम। लोट लकार में देखिए कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता है, तो ये याद रखना है कि लोट लकार में विसर्ग नहीं आता है। आगे देखो बच्चों, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार विधि और संभावना होती है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको हंसना चाहिए, आपको खाना चाहिए, तो वहां पर संभावना प्रतीत करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के रूप चलते हैं। खादेत खादेताम खादेयुः, खादेह खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। एक बार फिर से मेरे साथ उच्चारण कीजिए, खादेत खादेताम खादेयुः, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। बच्चों इस प्रकार आप जितनी बार दोहरान करेंगे उतनी आसानी से आपको याद होंगे, तो आपको बार बार दोहरान करना है तब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।